हेलो दोस्तों, हम आज बनाने वाले हैं कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल को सबसे पहले आपको करना है वॉश। इसको हमने कट करा कर लिया था। अब वॉश करने के बाद इसको हमने कर दिया है बॉयल। तो बॉयल करने के लिए हमने थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल डाला था। अब जब ये बॉयल हो गया है तो उसका एक्सेस वाटर हमने यहाँ पे ड्रेन कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से मैश हो रहा है। तो हमें इतना इसको बॉयल करना है कि ये मैश हो जाए, ताकि ये टूट सके। हमें ऐसे पूरे नहीं रखने, हमें इसको तोड़ना है स्पून से। तो अब हमने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया था। हमने यहाँ पे 1 स्पून ऑयल ले लिया है और हमने इसको गरम करना है। गरम करने के बाद हमने साइड में अनियंस को ग्राइंड करके रखा है। तो हमने एक मीडियम साइज़ की अनियन लिया था, इसको ग्राइंड कर लिया है। अब जैसे ही आपका तेल हो जाएगा गरम, तो आपको इसमें इसको डालना है। अब देखिए, हमने इसको यहाँ पे अनियंस को डाल दिया है और हमने यहाँ पे गैस का फ्लेम को स्लो किया हुआ था। अब इसको धीरे धीरे चलाना है और अदरक और लहसुन का पेस्ट हमें तैयार करना है। और ये है बे लीफ, जिसको हम बोलते हैं तेजपत्ता, इसको इसमें डालना है। अदरक लहसुन में हमें सारे मसालों को मिक्स करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट ले लिया है। फिर हमें यहाँ पर लेना है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने स्पाइसी जितना आपको पसंद आप वैसे ले सकते हैं। हमने 1/4 हल्दी पाउडर ले लिया है और हमें लेना है यहाँ पर धनिया पाउडर। तो उसको भी हम 1 स्पून ही रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेवी नहीं बनानी है, तो हमें उसे भुना रखना है। इस वजह से हम यहाँ पे उसको कम लेंगे। फिर हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए, तो उसको भी 1/4 लेंगे। उसे ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें। अब हमें इसको यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि हमारी जो अनियंस है वो ब्राउन हो गई है। तो हमें इसको इसमें अब डालना है। डालकर याद रखिएगा, आपको मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि सारा जो वर्क है वो मसालों का है। अगर आपका मसाले का फ्लेवर अच्छा है तो ही आपका कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्ट देगी। तो आप इसे देख जब ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी आएगी। जैसे कीमा नहीं होता वेज, वैसे ये फ्लेवर देगा। अब हमने यहाँ पे दूसरी साइड पे ऑयल को गरम कर लिया था और कटहल को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उसमें जो सॉफ्टनेस है वो और आ जाती है, अच्छा हो जाता है। तो हमने धीरे धीरे करके सारे डालना स्टार्ट कर दिया है और देखिए, हमें इसे फ्राई करना है। अब आप इसे फ्राई कैसे करेंगे, आपको पहले से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ये तेल इसमें लग जाएगा, फिर आपको धीरे धीरे इसको टर्न एंड ट्विस्ट करके फ्राई करने हैं। और बहुत ज़्यादा आपको गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखेंगे कि इसका जो कलर है वो धीरे धीरे जब चेंज होने लगेगा, तो आप समझ जाइए कि ये गोल्डन हो गए हैं, क्योंकि साइड साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसको टर्न करना स्टार्ट कर दिया है और ऐसे ही करके हमें इसे थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। और दूसरे साइड पे हमारे जो मसाले हैं वो भुन रहे हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें वाटर डालकर उसको ढक दीजिए, ताकि वो धीरे धीरे भुनने लगे। जितना मसाला भुनेगा उतना अच्छा टेस्ट ग्रेवी का आएगा। तो देखिए, ये हमारा फ्राई हो रहा है। तो लीजिए, अब हम अपनी देखते हैं ग्रेवी को कि ये कैसी है। और ये बहुत अच्छे से भुन गई। इसका जो ऑयल है आप देख सकते हैं, वो आ गया है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब ये भुन चुका है, तो हमने जो यहाँ पे कटहल को फ्राई किया हुआ था, बस उसको इसमें कर देना है मिक्स मिक्स एंड मिक्स, और आपकी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो जाएगी। बस ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी तरीके से फ्राई हो चुका है। आपको इसको क्या करना है, इसमें डाल देना है। डालने के बाद आपको उसको स्पून से मिक्स करते रहना है। बस, तो अब हम इसको डालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हमने इसमें डाल दिया। ओहो, अब देखिए इसको क्या करना है। ये डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये जो इसकी सीड्स होती है ना, वो एकदम काजू का टेस्ट देती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ याद रखिएगा, जितना आप इसे भूनेंगे उतना अच्छा फ्लेवर ये देगा। ये देखिए, हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको स्पून से ही इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, ताकि ये जो कीमा होता है ना, वैसे आपका लुक देगा और टेस्ट भी वैसे ही आएगा। तो ये जो है, ये देखिए, हमने इसको स्पून से तोड़ना स्टार्ट कर दिया। याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई है, कि पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब आपको इसे ऐसे ही तोड़ना है और ऐसे ही बनाना है। जब ये अच्छे से मैश हो जाएगा, बस आपको इसको ढक देना है और गैस पे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। फिर आप इसको खोलिए, फिर आप इसे चलाइए, फिर आप उसको ढक दीजिए 5 मिनट्स के लिए, और ऐसे आप उसे छोड़ दीजिए। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आपको उसको गैस पर रखना है। जब इसमें से ऑयल
और अलग हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आपकी सब्ज़ी जो है वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो गई है। और लास्ट में आप चाहें तो इसमें आप धनिया पत्ती डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा खटाई भी डाली है। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, ज़्यादा नीड नहीं है। और ये आपकी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल